राधा स्वामी, दो शब्द आपने सुने हैं, दोनों शब्दों का आपस में बहुत अच्छा संबंध है। मैं केवल आज जो अशोक ने शब्द पढ़ा है मैं उस पर बोलना चाहूँगा। पढ़ो, आप एक एक लाइन पढ़ोगे ना? हाँ, पढ़ो पहली लाइन। ऊंची वाणी है। क्यों ये ऊंची वाणी है? जब मुगलों का जहां राज था तो उन्होंने अपने आप को, क्योंकि जो श्रीनगर के जो पंडित थे, कश्मीर के जो पंडित थे, उनके पास आए थे कि महाराज हमारी रक्षा करो, मुगल हमें हिंदू मत से हमारे जनेऊ उतार रहे हैं, हमारे तिलक मिटा रहे हैं और हमें मुसलमान बना रहे हैं। तो उस वक्त गुरु गोविंद सिंह साहब की उम्र 9 साल की थी केवल। तो उस वक्त गुरुजी ने एक वचन कहा कि भाई ये जो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है इसके लिए किसी को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऐसा मैंने इतिहास पढ़ा है, क्योंकि मैं पंजाब का इतिहास पढ़ा है सारा। तो गुरुजी ने कहा श्री गुरु गोविंद सिंह जो 9 साल का बालक था कि पिताजी आपसे बड़ा और कौन हो सकता है जो इस काम को कर सकता है, कुर्बानी दे सकता है। तो फिर उस वक्त गुरुजी ने उनको लिखा, मुसलमान राजा को लिखा औरंगजेब था कि अगर मुझे आप मुसलमान बना दो तो सभी मुसलमान बन जाएंगे। तो वो दिल्ली चले गए, दिल्ली ले गए उनको। वहाँ उन्होंने बहुत से शब्द लिखे हैं, ये भी शब्द उस समय से थोड़ा पहले का है। वो कहते हैं कि इंसान का साथ कौन देता है। और मैंने तो ये भी, फिर उन्होंने कहा, जब बहुत कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपको जैसे बड़ा कुछ देंगे, हम बड़े लालच दिए, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक शब्द लिखा, सिर दिया सर ना दिया, सिर दिया सर ना दिया, अपना जो धर्म है, जो मेरी अपनी हकीकत है, मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैंने अपना सिर दे दिया और उसको लिखकर अपने गले में डाल लिया। और राजा को कहा कि आप अपना काम करो, जो भी इतला करना कर लो, मैंने जो लिख दिया यही मेरा धर्म है। तो उनका सर कलम कर दिया गया था, शीशिकंद गुरुद्वारा है वहाँ, उनकी वाणी है ये। जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि ये शब्द उन्होंने लिखे हुए हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? और किसी ने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया, किसी ने किसी निजम के लिए बलिदान कर दिया, किसी ने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान कर दिया, किसी ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। ये मेरे देश का इतिहास है। लेकिन इसी देश में ऐसे भी लोग हैं जो उसकी भी कदर नहीं करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ी कुर्बानी की है, उनकी भी कदर नहीं करते। फिर उन्होंने लिख दिया कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यही मान लो जो मैं लिखता हूँ। क्या लिखा है पढ़ो, क्या करते हैं शर्म में जा। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अब उन्होंने यहाँ ये कहा है कि ऐ इंसान, अगर तू सुख चाहता है, सुख चाहता है सदा हमेशा, तो किसकी शरण ले? राम की शरण ले। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि गुरु जी ने किस राम के बारे में कहा? वो राम कौन सा है जो दुनिया मानती है? वो है नहीं। उन्होंने गुरबाणी में लिखा है, साधो रचना राम बनाई। जिसने ये रचना बनाई है, इस रचना के कुछ नियम हैं, जो कुदरत की रचना है ये, इसके कुछ नियम हैं, कुदरत के अपने नियम हैं, कुदरत का एक अपना असूल है। और उस असूल के मुताबिक ऐ इंसान, अगर तू सुख चाहता है तो उस राम की शरण जा जिसने इस संसार की रचना की है। अगर हम कुदरत के, अगर हम सरकार के कानून को तोड़ेंगे तो क्या होता है? हमें दंड मिलता है। और अगर हम कुदरत के कानून को तोड़ेंगे तो उसका भी हमें बहुत बड़ा दंड मिलता है। वो दंड इस जीवन में भी मिलता है और इस जीवन के बाद में भी मिलता है।
सरकार का दंड तो यही मिल जाएगा ना, यही खत्म हो जाएगा, लेकिन कुदरत का दंड जो हमने उस राम की रचना का जो असूल है उसको अगर हमने भंग किया तो हमें उसके मुताबिक भी दंड मिलता है। जैसे हमने, मैं बात कह देता हूँ, जैसे कुदरत ने हमें पांच चीज़ें दी हैं, एक पृथ्वी दी है कुदरत ने, एक जल दिया है कुदरत ने, सूर्य की रोशनी दी है कुदरत ने, हमें शुद्ध वायु दी है कुदरत ने, और हमारे आकाश में आकाश है वो ठंडक देता है हमें, ये पांच चीज़ें हमें दी है ना। लेकिन हमने क्या इन पांच चीज़ों का सत्कार किया, ये सोचो आप। हमने अपनी धरती का भी सत्यानाश कर दिया, हमने अपने जल देवता को भी बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग किया, और हमने सूर्य देवता की भी कोई परवाह नहीं की, और हमने वायु का भी प्रदूषण कर दिया, तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? क्या कहा मैं, बात मैं बहुत ऊंची कर रहा हूँ। हमने कुदरत के असूल को नहीं माना और हम इसलिए दुखी हैं। भारत, ये पंजाब में इतना पानी होता था, मुझे याद है 27 फुट के ऊपर नलके लग जाते थे, लेकिन हमने बिजली फ्री कर दी कि चलाओ दिन रात, कोई बात नहीं, हमें वोट डाल दो आप, हमें वोट डाल दो, बस आप रात दिन रात बिजली यूज करो। हम बिक जाते हैं, हमने पानी का नुकसान कर दिया, और आज ये है कि किसी घर में कोई हैंडपम्प नहीं है, कहीं पर कोई कुआं नहीं आपको मिलेगा, 500 फुट तक पानी नहीं मिलता है, और बठिंडा के इलाके में तो और भी हालत खराब है। तो क्यों नहीं, हमें कैसे सुख मिलेगा? इसलिए कहा है कि ऐ इंसान, अगर तू सुख चाहता है तो उस राम की शरण में जा जिसने ये रचना की है। रचना का एक असूल है, हमने उस असूल को नहीं माना और उस असूल के हम अगेंस्ट गए हैं। कुदरत की ठंडी हवा आती थी, कोई ये क्या चीज़, कुछ नहीं होता था, बिजली नहीं थी, फ्रिज नहीं थे, एसी नहीं थे। अब एसी घर घर में 4-4 AC लग गए, तो एसी कितनी गर्मी निकलती है, आप देखो कितनी गर्मी होती है। अब हमारे देश में हम लोग वृक्षों के नीचे बैठते थे, गप्पे लगाते थे, नंगे पांव स्कूल जाते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी। आज तो बच्चे तो पैर भी जमीन पर नहीं डालते। तो वी हैव लेफ्ट नेचर, हमने नेचर को छोड़ दिया, इसीलिए उन्होंने ये कहा है, अरे इंसान तू सुख चाहता है तो उस कर्ता पुरुष की शान में जा, उस मालिक को मान जिसका नाम उन्होंने राम कहा है, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, वो राम नहीं है जो जन्मा और मर गया, वो राम नहीं है। एक दफ़ा हजूर बाबा की जी महाराज ने कहा इसी बात पर, अनघड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, घड़े देव कोई सब कोई पूजे निधि लावे मेवा। तो उन्होंने फरमाया लोगों ने अपने देवते बना लिए, हाथों से मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन उस मालिक को जो कि घड़िया नहीं गया उसको कोई नहीं याद करता। तो हम फिर कुदरत को क्या मानते हैं? हमने उसी को छोड़ दिया, असली बाप को ही छोड़ दिया, और अपने ही बना लिए देवी देवता। तो महाराज फरमाया करते थे, मैं भी घड़िया गया, मैंने भी घड़िया कुदरत ने, मेरी पूजा करोगे तो तुसी पार नहीं हो सकते। दाता दयाल जी ने कुदरत ने घड़िया, यहाँ तक भी कहा बाबा सावन सिंह जी को भी कुदरत ने घड़िया, दाता दयाल जी को कुदरत ने घड़िया, स्वामी जी महाराज को कुदरत ने घड़िया, और साधी पूजा तुम पार कर दोगी नहीं। तुम्हें उस शब्द को पकड़ना है जो आगे बताया गया है, आगे इन्होंने कुछ कहा है, मैं बता देता हूँ, आगे पढ़ो, अगली लाइन क्या है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक हर भज मना दुर्लभ मानुख दे। किसको भजन कर, हर भज मना, हर वो मालिक उसका भजन कर ले। और ये जो शरीर है ये दुर्लभ है, इसको देवी देवता भी तरस रहे हैं, अवतार तरस रहे हैं कि हमें भी कहीं ये देह मिल जाए तो हम भी अपना भजन करके उस मालिक की गोद में चले जाएं, ऐसा संत कहते हैं, वो भी तरस रहे हैं। और मैंने तो ऐसा महसूस किया है कि ये ब्रह्मांड
इन देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं ना वहाँ भटक रही हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, कि हमें भी कहीं से जन्म मिल जाए। तो कबीर साहब ने तो कह दिया कि इनसे लागी काई, ये तो जिनको जन्म मिलना ही नहीं है, ना शिव को मिलेगा जन्म, ना पार्वती को मिलेगा जन्म, ना उसको मिलेगा, किसी को जन्म नहीं मिलना है, क्योंकि ये खुद ही फंसे हुए हैं बुरी तरह से। और एक इंसान है, एक मानव है, जो कि अपने इस शरीर में बैठकर अपने आप को रियलाइज कर सकता है कि मैं कौन हूँ, वो हरि कहाँ रहता है। इन्होंने कहा वो राधा स्वामी कहाँ रहता है, वो तुम्हारे घट में है, बाहर नहीं है, यही पढ़ा ना दाता दयाल जी महाराज का शब्द, वो जो असलियत है वो तुम्हारे अपने अंदर है, उसको ढूंढो, उसको आगे शब्द में कहा वो तत्व है, वो तत्व है असली, जिसके उस माल के कुल के अंश है, उसकी तो कोई खोज करता नहीं है। वैसे कहते कि हमने नाम ले लिया, क्या नाम ले लिया, क्या ले लिया नाम, जहर ले लिया, जिसका तुम्हें पता ही नहीं है कि उसका जाप सिमरन कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। ये दुनिया है, ये पाखंड की दुनिया है, इस बात को कोई समझता नहीं है, क्लियर कर दिया, ये दुर्लभ देह है भाई, इसलिए हरि के साथ मिलने की कोशिश करो। वो हरि बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अपने अंदर है। कहाँ है? शरीर में, मन के ऊपर है, आत्मा के भी ऊपर है, वो है अंदर। आगे बताते हैं, आगे चलो, अगले गान पढ़ो। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारथ कीन, कहो नानक बिन हर भजन जही विधि जल को मीन। आप तो ऐसे इस दुनिया में जैसे बिना जल के मीन है, जल के बगैर मछली कैसे तड़पती है ना, ऐसी दुनिया तड़प रही है कि वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ शायद सुख मिलेगा, वो सुख नहीं है। गुरु गोविंद गायो नहीं, ना गुरु की बात को माना, ना गुरु जो उसके बारे में कह रहा है ना उसको माना। गुरु क्या कहता है? गुरु आपको उसके साथ मिला देता है जहाँ से वो खुद आया है। गुरु का एक ही काम है कि वो ज्ञान दे देता है अपना, जहाँ से गुरु स्वयं आया वो अपने शिष्य को वहाँ का रास्ता बता देता है, और फिर कह देता है बच्चा तू भी वही है जो मैं हूँ। मेरी बात आप समझ रहे हो? इसीलिए ये चेतावनी है गुरु साहिबान की, ये गुरु तेग बहादुर साहब की इस चेतावनी है कि तुमने तो ना उसको याद किया, ना गुरु की वाणी को याद किया, ना गुरु को समझा, ना गुरु के वचन को समझा, ना जो गुरु ने कहा उस पर तू चला, तू अपनी ही मन मर्जी करता रहा, इसलिए तेरा जन्म अकार्थ जाएगा। अकार्थ में जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसने इस शरीर को लेकर कोई लाभ नहीं उठाया, वो काम नहीं किया जो उसके अपने लिए था, दुनिया के लिए करता रहा। मेरे एक गुरु भाई थे, मेरे गुरु भाई थे बख्तावर सिंह जी, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, ईमानदार थे, कुल्लू में उनकी पोस्टिंग थी, पर दयाल जी महाराज कुल्लू हर साल उनके पास जाते थे, और वापसी पर वो महाराज जी फिर धर्मशाला मेरे पास आते थे, और फिर कुदरती वो उनकी ट्रांसफ़र हमीरपुर हो गई, मेरे पास आ गए, तो हमने हर रोज़ शाम को एक घंटा सत्संग करना, तो उन्होंने बैठ कर तो उन्होंने एक मुझे बात कही बताई, कहते छोटे भाई कभी आपने किसी आदमी मरते को देखा? मैं कह नहीं, मैंने नहीं देखा। कहते मैंने देखा। मैं कह क्या देखा आपने? कहते आपको मैं बता देता हूँ क्या देखा, कि जब इंसान का आखिरी वक्त आ जाता है तो धर्मराज के दूत और यमराज के दूत दोनों आ जाते हैं, और उसको पूछते हैं तुमने क्या किया, अब तू हम तुमको लेने आए हैं, बता तूने क्या किया, तूने किसी संकट में गया, क्या तूने गुरु की आज्ञा का पालन किया, क्या किसी का तूने भला किया, जा सबको लूटा ही तुमने, झूठ ही बोला, क्या किया? तो फिर आदमी कहता है महाराज मैं क्या करता, मैं तो अपनी नाक के लिए सब कुछ करता रहा कि मेरी इज्जत रह जाए, मेरा ये रह जाए,
मेरे को कोई बुरा ना कहे, मैं धर्म मानता हूँ, ये करता हूँ। कहते तुमने कुछ नहीं किया। और कहते फिर उसके मुंह के ऊपर वो अपना जूता मारते हैं, रोज जोर से जूता मारते नाक पर, और फिर नाक टेढ़ी हो जाती है और उसकी जान निकाल कर वो ले जाते हैं। कहाँ तक ठीक है ये तो वो जाने, लेकिन उन्होंने ऐसा मुझे बताया। ऐसे ही ये फिर मैं कह रहा हूँ कि जन्म अकार्थ नहीं जाना चाहिए। ये चोला पता नहीं फिर मिले या ना मिले, अगर मिला भी तो शहर कैसा मिले कौन जानता है, कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ से जो गया वो वापस नहीं आया। लेकिन आजकल तो सुना है कि कईयों के जन्म दोबारा हुए हैं और वो बताते हैं कि हमारा पिछले जन्म में ये था, मेरी पोती पैदा हुई और जब वो साल की बोलने लगी तो वो यही कहे, मैं अंकल के पास जाना, मिश्रा अंकल के पास जाना, मैंने मिश्रा अंकल के पास जाना। मैंने कहा बेटा वो मिश्रा अंकल कहाँ है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मुझे वहाँ लेके चलो। तो गाड़ी को देखकर वो बहुत खुश होती थी, गाड़ी और गाड़ी गई। एक दफ़ा हम पटियाले गए तो हम स्टेशन पर गए, उसको गाड़ी में बिठाया, क्या मैं तो बड़े शहर किया गाड़ियों में बहुत शहर किया। मैंने कहा उतर जाए गाड़ी पर ठंडा जाएगी, हमने उसे ही रह जाना है, तो समझे ना। तो उसका भी कोई ख्याल था। मुझे किसी ने कहा भी कि कहती उनकी बहुत बड़ी कोठी है दादाजी, उनकी बहुत बड़ी कोठी है, मुझे वहाँ लेकर चलो। पर कहाँ, हमारे पास टाइम ही नहीं था। आप मेरी बात समझ गए। तो कुछ बातें बच्चे को याद रहती हैं और वो धीरे धीरे सब भूल जाता है। जन्म दोबारा मिलता है इसमें कोई शक की बात नहीं। जैसे कि राधा सोमवत में कहा गया है कि गुरु लेने आ जाता है जिन्होंने नाम लिया है। तो महाराज भी कहते परमदेव जी, भाई गुरु लेने आएगा जरूर, और कहाँ जाओगे तुम, तुम्हें अच्छा जन्म मिल जाएगा, बस तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। ऐसे ही मैंने जहाँ 1962 में या बस स्टैंड हो, यहाँ एक सत्संग घर बना था बस स्टैंड पर, 1962 में सत्संग घर बना। तो मैं MA फाइनल में पढ़ता था, तो मैं यही रहता था, तो मैं भी गया सत्संग सुनने के लिए। मैंने पंखा किया लोगों को, सेवा में पंखा किया। तो बाबा हरचरण सिंह जी महाराज आए थे, उन्होंने कहा, मुझे याद है कि सोने आपकी लोहे की जंजीरें कट जाएंगी, सोने की जंजीरें पड़ जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। अब मुझे पता चला कि तुम्हें अच्छा जन्म मिल जाएगा, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। लेकिन हम क्या दोबारा जन्म लेने के लिए पैदा हुए हैं? दोबारा जन्म होगा फिर पतन, तीसरा जन्म कैसा होगा कोई कह सकता है? इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि हरि के भजन के बगैर, वो भजन क्या है, लोगों ने भजन समझा के तालियां बजा ली, हरे राम हरे कृष्ण कर लिया, ये भजन नहीं है। जा गुरबानी को गा लिया, ये भी भजन नहीं है। भजन वो है जो तुम्हारे अपने अंदर वो धुन बज रही है, वो है भजन। उसको सुनोगे तो तुम पार हो जाओगे, उसके बगैर तुम पार नहीं जा सकते। वो है असली तत्व जिसके बारे में यहाँ इसी शब्द में आगे कहा गया है। पढ़िए क्या अगला क्या क्या है। ज्ञान जन्म गुरु दिया, अज्ञान देर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। फिर पढ़ो यही। ज्ञान जन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु करता क्या है, अज्ञान को दूर करता है और ज्ञान देता है। गुरु की एक ही महिमा है और गुरु कुछ नहीं करता। गुरु का मतलब ये है, गुरु दो शब्दों से बना, गुरु, गु कहते हैं अंधेरे को और रु कहते हैं रोशनी को। जो अंधेरे को रोशनी में बदल दे वो गुरु है। बात मेरी समझ गए? तो वो ये कहते हैं कि गुरु ने क्या किया, अज्ञान को दूर कर दिया और मुझे ज्ञान दे दिया, और उसके बाद मुझे क्या मिला, जो कुछ था वो मेरे अपने घट में मिला, बाहर कुछ नहीं मिला। बाहर कुछ भी नहीं है, ही नहीं बाहर कुछ भी नहीं है।
मैं इसको अगले हफ्ते जो सत्संग होगा महावाजी उसमें बताऊंगा कि इंसान तेरे शरीर में है क्या। तेरे शरीर में तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, और उस इस ब्रह्मांड को चलाने वाला भी तुम्हारे अपने अंदर है। जैसे बाहर के ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है, उस वैसी ही हस्ती तुम्हारे इस ब्रह्मांड को भी चलाने, जब ये ब्रह्मांड है। लेकिन इसको दुनिया कहाँ ढूंढती है, कोई मानता ही नहीं है असलियत को। कि क्या कहा, गुरु सहमान सब कुछ कह गए, दाता दयाल जी ने बहुत कुछ लिखा, स्वामी जी ले गए, कबीर साहब ले गए, गुरबाणी में न जाने क्या क्या भंडार भर दिया सारे ज्ञान का, लेकिन दुनिया केवल पढ़ना जानती है। उनको उसका मतलब क्या है, या उस पर चलना है या कैसे चलना है, उसकी कोई परवाह नहीं करता। इसलिए हम आज दुखी हैं। हर धर्म में क्या कहूँ मैं, कोई एकता नहीं है, ना सनातन धर्मियों में एकता, ना राधा स्वामियों में एकता, ना गुरु मत में एकता, सब एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। कहाँ बताओ राधा स्वामी मत के कितने केंद्र बने हुए हैं, एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है कोई, सब अपनी अपनी डींग मार रहे हैं कि मैं ही बड़ा हूँ, हम तो किसी से बड़े नहीं हैं भाई, हम तो गुरु की सेवा में हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक जरूर इच्छा होती है कि जो आए सो राजी जाए, और उनके मन को शांति मिले, और शांति तभी मिलेगी जब हम इन गुरु महाराज की वाणी पर चलेंगे, वरना नहीं मिलेगी। आगे बिना हरी भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक ए तत्व विचारा। अब कहते हैं तत्व का विचार मैंने किया, गुरु महाराज के मुखारविंद के शब्द हैं ये, कि हरि के भजन के बगैर छुटकारा नहीं है। अब क्या मैं खरताले लेकर ऐसे गाऊं, जा मैं नाचूं, क्या ये भजन है? वो मन आनंद है, मन का आनंद मिलेगा, सिर झूमेगा के बहुत अच्छा गाया। अब देखा नहीं है कई जगह पर कोई गा रहा है, तो मैंने तो देखा लोग पैसे ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं जैसे पैसे ना हुए, पत्ते हुए, वृक्षों के पत्ते हुए, ऐसे उनके ऊपर फेंकते हैं। क्या ऐसा चलने से उनको वो आनंद मिलेगा, क्या उनको वो भजन मिलेगा, क्या उस भजन की वो हकदार हैं? नहीं है, वो तो अहंकार में है कि उनके पास पैसा बहुत है, और वो खिला रहे हैं माया को, ऐसे फेंक रहे हैं। वो कहते हैं इसके बगैर, वो हरि भजन के बगैर हरि भजन क्या है? ए इंसान, उस भजन को अगर तुमने सुनना है तो आंख कान मुख बंद कर। ये कान उसको नहीं सुन सकते, तुम्हारा मन भी उसको नहीं सुन सकता, तुम्हारी आत्मा भी उसको नहीं सुन सकती। देखो मैं क्या कह रहा हूं, उसको सुनेगा तुम जो तुम हो, वास्तव में तुम सुरत रूप हो, तुम्हारा अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन सब रूप तेरे हैं। उस सुरत का अधिकार है उसको सुनना, और वही तत्व है, वही विचार करना है कि उस हरि के भजन को कौन सुन सकता है। क्या कभी नामधारियों ने सुना कि नाम क्या मिला हमें, ये किस लिए मिला, ये नाम हमारा हमें क्या देगा, वो नाम कहाँ है? वो नाम तो नीचे है ही नहीं है, वो तीन छोड़ चौथा पद जीना, सत नाम सतगुरु गति जीना। वो तीनों को छोड़ना पड़ेगा, शरीर को भूलना पड़ेगा, मन को छोड़ना पड़ेगा, आत्मा से भी ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपको वो शब्द सुनाई देगा। और वो सुनने वाला शब्द तुम्हारा अपना वो तत्व है, वो तत्व है, वो तत्व जो है उसको संतों ने सुत का नाम दिया, ऋषियों ने उसको चेतना का नाम दिया, अंग्रेजी वालों ने उसको कॉन्शियसनेस का नाम दिया, और पंजाबी वालों ने इसको होश कहा, होश कर भाई, होश कर।
संत ने कई दफा कह दे, ओ भाई होश कर, तू की कर रहे हैं, मतलब तू सुनता ही नहीं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए ये पानी जो बहुत उच्च कोटि की है, हमें बता रही है कि वक्त आ रहा है, आपने भी चले जाना है, मैंने भी जाना है, सबने जाना है। कहाँ जाना है ये तो पता कर लो, वो तो पता कर लो। जाने से पहले दुनिया में सफ़र करते हो, टिकट लेते हो, मैंने वहाँ जाना है, तो जहाँ परमानेंट हमने जाना है उसका कभी सवाल ही नहीं किया कि हमने कहाँ जाना है। कभी अपने आप को पूछो बैठ कर, वेयर आई एम टू गो, मैंने कहाँ जाना है, वो कौन सा स्थान है जहाँ मैंने जाना है। तब जाकर तुम्हारे अंदर एक उजागरता आएगी, तब एक जलन पैदा होगी, तब एक इश्क पैदा होगा, तब एक खिंचाव पैदा होगा। वो कहाँ है, वो तुम्हें अपने आप ऊपर को खींचने लग जाएगा, तो गुरु की दया बरसने लग जाएगी। आगे पढ़ो। बड़े बड़े जो दिसे लोग तिसे व्यापे चिंता रोग। क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े लोग देखे, कहते हमने बड़े बड़े लोग जो नजर आते हैं उनको बड़ा भारी रोग है, चिंता के रोग में वो रहते हैं। पूछो जरा उनको, पूछ कर बड़े पढ़ो, दोबारा पढ़ो जैसा। बड़े बड़े जो दिसे लोग तिसे व्यापे चिंता रोग। सभी चिंता के रोगी हैं, मेरा जे नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, रात को नींद नहीं आती, गोली खा के सोते हैं, और सुबह को जाग नहीं उठते जब तक चाय न पी ले। क्या कहा मैंने, तो बड़ी ऊंची बात कही है। बड़ा कौन है, बड़ा केवल वो है जो हरि का भजन करता है, और कोई बड़ा नहीं हो सकता। धन मान वाले बड़े नहीं हैं, उनको अंदर से देखो वो क्या है, उनका हाल मैंने देखा है। मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से जो बेचैन रहते हैं, जिनको कोई मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति क्या, अनेक रोग लगे हुए हैं, अनेक रोग लगे हुए हैं उनको, क्योंकि खाना ठीक नहीं है, रहनी ठीक नहीं है, देखना ठीक नहीं है, बोलना ठीक नहीं है, सुनना ठीक नहीं है, तो वो कैसे सुखी हो सकते हैं। जो रात को 12 बजे तक, रात को 11 बजे खाना खाते हैं, और वो भी टीवी के सामने बैठकर खाते हैं, और फिर 12-1 बजे सोते हैं, उनको क्या पता। वो बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, थैलियाँ पैसों की चढ़ा देते हैं, बस क्या वो नाम बिकता है क्या, क्या वो पैसा तुम्हें तार देगा, वो पैसा नहीं तारेगा तुम्हें। तरोगे तुम केवल अपने अंदर के अंदर से जाग कर, जब तक अंदर की आँख नहीं खुलेगी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। क्लियर कह दिया, पढ़े पढ़े जो दिखे लोग सब चिंता में हैं, उनको नींद भी नहीं आती। उस समय आज से 300-400 साल पहले की बात है, और अब तो हाल ही खराब है, तो क्या कहूँ मैं। अब तो लोग दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों के सिर पर जी रहे हैं, सुबह और दवाई, दोपहर को और दवाई, शाम को और दवाई, क्या क्या करना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर रही है। बात मेरी समझ गए, मेरे को टेलीफोन आते हैं, बहुत लोगों के टेलीफोन आते हैं, मैं कहता हूँ भाई अभी भी संभल जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, मान जाओ कि तुम्हारा कोई मालिक है। तुम्हारा मालिक मंदिर में नहीं है, तुम्हारा मालिक किसी और जगह पर नहीं है, किसी तीर्थ स्थान पर नहीं है, किसी पत्थर में नहीं है, किसी पानी की पूजा में नहीं है, किसी मूर्ति की पूजा में नहीं है। वो तुम्हारी आस्था हो सकती है, लेकिन वो तुम्हें पार नहीं कर सकती। तुम भी मिट्टी की मूर्ति बनकर रह जाओगे, क्या करोगे, क्या फायदा उसका हुआ। संत मत में आओगे, आए हो परमदयाल बाबा फकीर के स्थान पर आए हो, तो बात कड़वी है लेकिन सुनने का ताकत रखो, और अपने आप में देखो कि तुम कौन हो। ये क्लियर संत कह रहे हैं, संत ढिढोरा पीट रहे हैं,
कि हरि के भजन के बगैर तेरा गुजारा नहीं है। वो भजन बाहर है ही नहीं, वो तुम्हारे अंदर में तुम्हारे शरीर के रोम रोम में हो रहा है। परमदयाल जी बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, तुम स्टेथोस्कोप जो दिल में लगा के डॉक्टर देखते हैं ना, कभी पीठ पर लगाएंगे कि देखें कि तुम्हारे अंदर कोई ज़्यादा बलगम तो नहीं है, कभी हार्ट की पल्पिटेशन देखेंगे, कहते आपके रोम रोम में वो शब्द हो रहा है, तुम्हारे अपने राम राम में शब्द हो रहा है, वो तुम्हारे अपने शरीर में फैला हुआ है, बस उसको जहाँ से इकट्ठा करना है और फिर मन की सुन, पहले शरीर की सुन में जाना है, फिर मन की सुन में जाना है, फिर आत्मा की सुन में जाना है, फिर तुम्हारे अंदर वो चिराग जल जाएगा, वो रोशनी तुम्हारी अपनी आपकी है, वो शब्द भी तुम्हारे अपने आप का है। जब हम उसके साथ मिल जाएंगे तो हमारा हरि भजन पूरा हो जाएगा, उससे पहले हरि भजन नहीं है। आगे चलो। कौन बड़ा माया बड़े आई, सोई बड़ा जिन हार लेव लाई। क्या बात कही है, वाह वाह वाह, लिखने वाले महाराज जी, कहते कौन दुनिया में कौन बड़ा माया बड़े आई। माया 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 क्या है? आदमी के अपने विचार, आदमी की अपनी सोच, आदमी की अपनी आशाएं, आदमी की अपनी कल्पनाएं, यही माया, यही जुड़ा रही है इंसान। लेकिन क्या वो बड़े हैं? नहीं। कौन बड़ा? जिन हरि लिव लाई, जिसने उस मालिक के साथ लिव लगाई है वही बड़ा है। ये माया, मन की माया बड़ी हो नहीं सकती। हाँ, मन की माया तुम्हें दुनिया की शोहरत देगी, तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा, तुम्हें लोग कहेंगे दानी बहुत बड़ा है जी इसने। अब दानियों का तो हाल ये देख लो, दानियों का हाल तो ये देख दे, एक पक्का दे देते हैं ना किसी मंदिर में या किसी जगह, उस पर भी अपना नाम लिखा देते हैं, जा किसी गुरुद्वारे में जा किसी मंदिर में वो ये संगे मरमर लगाना होता ना मार्बल, उस पर भी अपना नाम लिखा देते हैं। तो बताइए, तो इतनी माया, वहाँ तक भी लोग चले जाते हैं। मेरे पास भी एक सज्जन आए थे यहाँ, मेरा तो कोई अधिकार नहीं था, उसने कहा कि उस वक्त ये पांच पूर्ण शांति स्थल बना नहीं था, उसने मुझे कहा कमल जी आप ऐसा करो जितना पैसा लगता है मैं लगा देता हूँ, बढ़िया बनाओ महाराज जी की समाधि बढ़िया बनाओ और फिर मेरी माता का नाम उस पर लिख देना। मैंने कहा ये नहीं हो सकता भाई, मैं ये नहीं कहने के लिए तैयार हूँ कि आप अपनी माँ का नाम लिखाओ या अपना नाम लिखाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए? दुनिया तो यहाँ तक जाती है कि मेरा भी नाम लिख दो और मैं देखेंगे। अरे नाम किसका बड़ा है? नाम केवल उसका बड़ा हो सकता है जो नामी हो गया, जो उसके साथ मिल गया उसी का नाम बड़ा है, बाकी उक्त नाम तो साथ ही चले जाएंगे, उसके बाद कौन जानता है। ज़्यादा से ज़्यादा चौरखे तक जानते हैं सनातन धर्म में, एक साल हो गया बारखी मना ली, चार साल हो गया चौरखा मना लिया, उसके बाद कौन पूछता है, फोटो लटका दी और हार डाल दी। और मेरे मुझे सच मानो, मैं तो बाबा फकीर के रूप को भी फोटो चढ़ाने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो हैं। फोटो तो उनके फूल चढ़ाओ जो है नहीं, फकीर तो हमेशा जिंदा है, वो तो न मरता है न जन्म लेता है, लेकिन हम मूर्ख हैं, बड़े बड़े चढ़ा देते हैं, फूलों के हार चढ़ा देते हैं, ये अज्ञानता है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है इस बात का कि हमारा गुरु चला गया कि नहीं गया। गुरु हमेशा तुम्हारे अंदर है, आपके अंदर है, घट घट में वो बैठा है, लेकिन तुम्हें उससे प्यार ही नहीं है, तुम्हें तो फोटो से प्यार है। जब उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे घट में हूँ, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, क्या कहा दाता दयाल जी महाराज ने, यही कबीर साहब ने कहा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ।
यही गुरबाणी कहती, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वव्यापी सदा निरंतर सदा लेपा घटी ही खोजो भाई, गुरबाणी भी यही कहती है। तो फिर हम किस धर्म को मानने वाले हुए, किस धर्म को मानने वाले हुए? अब सोच लो, हम सब अधर्मी हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म हमारी इच्छा है, हमारा धर्म हमारी कामना है, हमारा धर्म हमारी वासना वो पूरी हो जाए, बस यहाँ तक हमारा धर्म है, से आगे हमारा धर्म ही नहीं है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो बेटा। भूमिया भूमि ऊपर लूज छोड़ चले तृष्णा नहीं बूझ, भूमिया भूमि ऊपर लूज छोड़ चले तृष्णा नहीं बूज। मेरा ख्याल ये कहना चाहते हैं कि ये दुनिया जो है ये हमने छोड़ जाना है, इसको नहीं हम भूलते। ये दुनिया, ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे अपने धुरे के ऊपर ऐसे घूम रही है, और सूर्य के तरफ तरफ घूम रही है, इसको भी चैन नहीं है। कोई चीज इस ब्रह्मांड में ऐसी नहीं जो थिर है। हमारे शरीर में भी 24 घंटे हरकत हो रही है, हमारे शरीर में भी 24 घंटे हरकत है कि नहीं है? खून का दौरा चल रहा है, हार्ट पल्पिटेट कर रहा है, तो कौन कर रहा है पहले तुम ये सोचो। ये दुनिया ऐसे चल रही है, इसको चलाने वाला कौन है ये सोचो, विचार करो। तो एक बाहर की दुनिया है, एक हमारे अंदर की दुनिया है। तो जो अंदर की दुनिया वो तुम्हारी अपनी है, बाहर की दुनिया तुम्हारी अपनी नहीं है। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारी अंदर की दुनिया तुम्हारा अपना संसार, इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने लिखा, नाम मिला तो सब मिला, ऐसा है ना एक शब्द, नाम है सबका सार, जो कोई सिमरे नाम को व्यापे नहीं संसार। दाता दयाल जी महाराज वो कहते हैं, जो नाम का सिमरन करने वाला है उसको तो संसार ही नहीं व्यापता। कौन सा संसार? ये मेरा अंदर का संसार, कोई विचार नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई अंदर गुरु नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई तीर्थ स्थान नहीं, कोई मंदिर नहीं। कौन है अंदर? केवल तुम हो अंदर। जब तक तुम आप अपने आप अंदर नहीं जाओगे, तुम्हें ना बाहर की दुनिया छोड़ेगी, ना तुम्हारी अंदर की दुनिया तुम्हें छोड़ेगी। क्या कहा मैंने, कौन समझे मेरी बात को? तो इस चीज को समझो, ये बाहर की दुनिया कुदरत की दुनिया है, तुम्हारी अपनी दुनिया है, तुम अपनी दुनिया सवार सकते हो, दुनिया को कोई नहीं सवार सका। बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, ये बाहर की दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, अगर करनी होते तो गुरु नानक साहब क्या कुछ कह गए, कोई नहीं बदला। कबीर साहब कितना कह गए, कोई नहीं बदला। महात्मा बुद्ध आए कुछ नहीं कर सके, महावीर जी आए कुछ नहीं कर सके, सनातनियों को बड़े बड़े ऋषि आए कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ फर्क पड़ा, लेकिन जिन्होंने अपनी दुनिया बना ली वो तर गए, जो दुनिया के बनाने में चले वो रह गए, भाई से वैसे रह गए। क्या कहा, वैसे दुनिया को बनाने वाला कोई है ही नहीं, सब मतलब ही है, अपना नाम है सब कुछ पाते हैं, राजे हुए रंक हुए सभी अपने नाम के पीछे चले हुए हैं, उस असली नाम को किसी ने नहीं पकड़ा, यही गुरबाणी बार बार कहती। फिर करो आगे बेटा, आगे खत्म हो गया, दोबारा रिपीट करो पहली लाइन। बिन हरि भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक एह तत् विचारा। विचार निकाल दिया गुरु महाराज ने के ऐ इंसान, उस हरि उस मालिक के भजन के बगैर तेरा गुजारा नहीं है। वो तत्व भी विचार करो, यही कबीर साहब ने कहा कि तुम तत्व का विचार क्या करोगे, तत्व का विचार कोई नहीं करता।
अब निकालो कबीर का शब्द जो दुनिया कैसी है। अब मैं दुनिया के बारे में भी बता देता हूँ जो जो 600 साल पहले कबीर साहब कह गए। क्या कहा उन्होंने कि जो दुनिया क्या बाबरी है, बाबरी मीन अपने आप में भूली हुई है, पागल हुई हुई है, इसको पता ही नहीं असलियत क्या है। सुनो क्या कहते हैं कबीर साहब, ये भी सुना देता हूँ। साधो देखो जग बात कही महापुरुषों ने कि वो भजन तुम्हारे अपने अंदर है। कबीर साहब थोड़ा सा उलामा देते, उलामा जानते ना, जिदा कहते वो चुकी करते फिर पागल हो। फिर दाता जाल जी महाराज ने मेरे मेरे फकीर बाबा को लिखा, काहे गोराना हाय फकीर वा, तेरे कट में माल खजाना क्यों बया दीवाना, हाय फकीर वा। मतलब जो बात को ना समझे उसको बाबा फकीर जी कहा करते थे, मेरी बात समझ में नहीं आती थी। मैं ये समझता था कि मैं आँख बंद करता हूँ, भजन करता हूँ, सिमरन करता हूँ, दाता दयाल जी की मूर्ति को अंदर देख लेता हूँ और मैं खुश हो जाता था कि दाता तो मेरे अंदर ही है। लेकिन जो दाता असली बात कहते थे वो मेरी समझ में नहीं आती थी। कबीर साहब भी कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं कि जो दुनिया बाबरी है, बाबरी मीन मस्त मलंग है, किसी को उस अपने घर का पता ही नहीं है क्या कर रही दुनिया, वो बता रहे हैं। चलो आगे, साधो देखो जग भोरा, साची कहो तो मारन धावे, साची कहो तो मारन धावे, झूठे अगर सच्ची बात कहूं कि मूर्तियों से तुम्हें कुछ नहीं मिलना, तर्पण करने से कुछ नहीं मिलना, तो तुम लड़न पहन गए हो। क्या कहा मैंने, एक मेरे पास एक मंदिर है, पहले तो कुछ भी नहीं था वहाँ, केवल एक महापुरुष होते थे वहाँ और उनकी मूर्ति लगी हुई है। उनकी 1985 में डेथ हो गई। बहुत अच्छे लोग, अच्छे अच्छे सियाने थे, बुजुर्ग बताते थे मुझे कि ये संत बहुत अच्छे थे। अब वहाँ लोगों ने पता नहीं कितनी मूर्तियाँ ला के लगा दी, बहुत मूर्तियाँ लगा दी। मैं एक दिन मुझे जाना पड़ा, SDM ने आना था, SDM साहबा ने, तो मुझे भी कहा कि आप सर जरूर आना, तो मैं भी चला गया। तो मैंने वहाँ देखा कि वो बाबा जी मूर्ति तक पासे उन्होंने स्टैचू रखे हैं, वो कमरे से बंद, बाकी दरवाजे देते शनिवार शनि होते होंगे, देवता शनि की काली मूर्ति रखी है, फिर इधर शिव जी जी का, फिर सीताराम जी का, फिर आगे कृष्ण भगवान का, इतने मंदिर में मूर्तियाँ पड़ी हैं। अब उनको वहाँ एक दफ़ा मुझे बुलाया गया, कोई संत आए थे, मुझे भी बुला लिया, कुछ लोग जानते हैं मुझे, मुझे कहते कमल जी आप कुछ कहो। तो मैंने भी कुछ कहा, गुरुमत को सामने रख के कहा। एक बुजुर्ग आया, कहते तुम गुरु न मनन आए हो, तुम मूर्तियाँ मूर्तियाँ नहीं मानते। मैं कहा मेरे को नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं इन्होंने मानता, मैं तो गुरु मानता और गुरु मेरे नाल है, गुरु मेरे संग सदा है नाल है। तो कबीर साहब कहते हैं कि झूठे तो बड़े बड़े तुम गल करो, वाह 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 वाह, तुम किसी तीर्थ स्थान की गल कर दो, वाह जी वाह वाह, तो क्या बात है जी, लाइनें लगी होती हैं जी, वहाँ प्रसाद मिलता है, जे मिलता है वो मिलता, अपनी अपनी बातें करते हैं। लेकिन अगर कहो कि सब कुछ तेरे अंदर है, मेरे अंदर की है, दस तक ही है मेरे अंदर, तो घेर लेना अगले की दसोगे तुम मूर्ख नाल, मूर्ख नाल ना उलझिए। संता ने कहा मूर्ख नाल ना उलझिए, उनसे बात ही नहीं करना। तो देख कबीर साहब कहते, देखो क्या कह क्या, क्या, क्या कहते हैं, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, बोलो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। दो आदमी ने थोड़े पैसे दे दियो कि तुसी मेरी शिफ्ट कर दो खड़े होके, और बाबा जी ज्यादा काम कर देता, ओ जी बाबा जी आए थे मेरा आ काम कर, ले सारा शहर इकट्ठा हो जाऊ इतने,
जहाँ सारा शहर इकट्ठा हो जाओ कर लो करके देख लो। अजय बड़े बड़े महंत बने बैठे हैं ना, इन्होंने किया की है, दो एक्टर फल लै लाई दो लख रुपया तू आ कह देना आ कह देना, वो सब बिके हुए हैं। संत भी बिक गए, प्रचार करने वाले भी बिक गए और गुरु का नाम भी बिक गया। क्या कहूँ मुझे दर्द दिल से कहता हूँ मैं, और ये कबीर सब दुखी हो गए। क्या कहते आगे बढ़ो, हिंदू कहते हैं राम हमारा, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आ दोनों ने परमात्मा में बैठ दिता दोनों ने। ये हिंदू शब्द जो है ये अंग्रेजों के समय में पैदा हुआ, उससे पहले नहीं था। किसी शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं है, वेद में हिंदू शास्त्र नहीं नाम नहीं है, कहीं नहीं। ये अंग्रेजों ने किया, पैदा कर दिए कि ये पट जाए आपस में लड़े मरे हम राज करें। तो उस वक्त कबीर साहब तो उसी वक्त थे जब इनका राज था। तो क्या कहते हैं हिंदू, कहते हैं कि राम हमारा, वो कहते हैं रहीम हमारा। और अब देखो तो रहीम केवल पाकिस्तान में रहता है या अरब देशों में रहता है, राम क्या केवल हिंदुस्तान में रहता है। परमदयाल जी महाराज जी ने एक बात कही, वो मैं आपको सुनाता हूं। क्या कभी किसी मुसलमान को राम के दर्शन हुए? नहीं होंगे, क्योंकि उनका उसके प्रति विश्वास नहीं है। क्या कभी किसी हिंदू को किसी गुरु महाराज के दर्शन हुए? जा किसी हिंदू को अल्लाह के दर्शन हुए, मोहम्मद के दर्शन हुए? नहीं हो सकते, क्योंकि जिस जिस का जिसमें विश्वास है उसको वो ही दर्शन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐ इंसान, जिसको तू मानता है वो तेरा अपना ही मन है, वो नहीं है। अगर वो ही होता तो राम सबको नजर आए, अगर वो ही होता तो वाहेगुरु सबको नजर आए। जिस जिस को इंसान मानता है मांगता है सिर्फ वो ही उसको नजर आएगा, दूसरे का दूसरे को नजर नहीं आ सकता। क्या कहा बाबा फकीर जी महाराज ने, इसलिए इंसान तेरा भगवान अपना है बनाया हुआ तूने, वो नहीं है। उसकी अंश तो तेरे अपने अंदर है, उसकी खोज कर ले। वो है परम तत्व, जो बाहर तू मान रहा है वो तेरा अपना मन है। चाहे वो कोई देवी है, चाहे वो कोई देवता है, चाहे कोई अवतार है, वो नहीं है, वो तेरे मन ने माना है। तो जो मन ने माना है वो सत्य नहीं हो सकता, वो सत्य नहीं है, वो मन का बनाया हुआ है, वो घड़िया हुआ देवा है, वो अनघड़िया देवा नहीं है। जो परम तत्व है, जो माल के कुल है, वो नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि ये दोनों ही बौराने हो गए हैं और उसके ऊपर लड़ रहे हैं। क्या कहा आगे पढ़ो, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े भरत है, आपस में दो लड़े भरत है, मरम कोई नहीं जाना। ये उस समय की बात बता दी है कि जे आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं। और आज क्या है, दुर्दशा है मेरे देश की, इनको मर्म का पता नहीं है। मर्म मीन भेद क्या है, क्योंकि भेद कोई बताने वाला नहीं है, भेद कोई बताने वाला नहीं है। रहीम भी वही है, राम भी वही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है ए इंसान तेरी अपनी सोच में, फर्क है इंसान तेरे अपने स्वार्थ में। तेरा स्वार्थ है, तू स्वार्थ के लिए जिस धर्म को बना दिया, तूने स्वार्थ के लिए अपने आप के लिए सब कुछ बना लिया, उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है।
वो तो केवल कहाँ मिलेगा, केवल हरि भजन में मिलेगा और किसी चीज में नहीं मिलेगा। और वो हरि भजन 24 घंटे तुम्हारे अपने कट में हो रहा है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। बहुत मिले मोही मेरी धर में, बहुत मिले मोही मेरी धर में, प्राप्त करे हमारे बड़े मुनि मिले हैं, सो स्नान करते हैं, बड़े निजम पाले हुए हैं, कपड़े बदल के पहनते हैं, ऐसे ऐसे तिलक लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, निजम बनाए हुए हैं ना। मुझे बहुत मिले, फिर क्या उनका मतलब हुआ? बहुत मिले मोहि मेरी धर में, प्राप्त करे स्नान करते हैं, बड़े नियमों का पालन करते हैं, मूर्ति को भी स्नान कराते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, घंटी भी बजाते हैं, तले वो भी करते हैं ना, बड़ा कुछ नियम जो पालन करने हुए। कहते फिर आत्मा का ज्ञान कोई नहीं है, पत्थर की पूजा करते हैं। क्या कहा, आत्म ज्ञान नहीं है। और पाषण का क्या कहना पड़ी जरा, आत्म छोड़ी पसारे पूजे तिरका थोथा जाना। ज्ञान थोथा है, उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बाहर मुखी है, उन्होंने उस पत्थर को ही मान लिया कि यही भगवान है, बस ये हमारी इच्छा पूरी करेगा, इससे जो मांगो मिल जाएगा। ले लो भाई, कबीर साहब ने कहा क्या मांगू कुछ थिर ना रहा ही। मैं ऐ मालिक तेरे से क्या मांगू, कुछ रहने वाला ही नहीं है दुनिया में। 1 लाख पूत सवा लख नाती, कहो रावण घर दिया ना बाती, कहो नानक रावण घर दिया ना बाती, सारे खत्म हो गए, कहाँ रहे वो, क्या कहा। लेकिन यहाँ क्या है, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप सब ठीक है। कोई ऐसा भी है, आजकल तो पखंड मेरे देश में इतना बढ़ गया है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई इसमें साइकोलॉजी है, कोई इसमें तो ज्ञान की को बात है, तुम बताओ तो सही, तुमने ये पखंड क्या बनाया हुआ है बताओ तो। लेकिन कोई पूछता नहीं, सब डरते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, यही है और कुछ नहीं। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। आसन बारी धित धरी बैठे, आसन बारी धित धरी बैठे, मन में आसन मार के बैठे हैं, चल ऐदा भी किया है, ऐदा भी किया है, ऐदा ऐदा ऐदा, देखे नहीं देखे नहीं, बाल बड़े बड़े रखे, बाल भी बड़े रखे, वाह बीबियां बेचारियां। मेरा देश ओ माता हो, मैं आवाज देता हूँ देश की माता हूँ, इन पखंडियों से बचो, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे और कर रहे हैं। मेरी बात को माताएं सुनने वाली है नहीं देश में, क्योंकि बोल बाला है किसका, काल का और माया का बोल बाला है। काल ने अपनी रचना रचाई हुई है और इसमें बड़े बड़े कालमुखी मुंह खोले हुए बैठे हैं, वो कहते क्या घमंड है उनमें, अपने आप को ऊंचा समझते हैं, दूसरों को वहाँ बोलने नहीं देंगे। आप मेरी बात समझ गए, क्योंकि चेले चांटे इतने हैं, चेले चांटे बहुत हैं ना उनके बने हुए, तो क्या करना। बाबा फकीर के पास कोई आदमी नहीं टिक सकता था, उनके उन्होंने कोई
मेरे मैं बताइए मेरी कोई सोची है, एक अशोक है, एक ये पढ़ता है अपने लकी है, एक लगा देते हैं अपने अभय कुमार जी लंगर का इंतजाम कर देते हैं, बाकी अपन तो ठंड ठंड गोपाल अपने बोले चले गड्डी बैठे घर जाके रोटी खानी, बात समझ गए। क्या जरूरत पड़ी है पखंड बनाने की, क्या जरूरत पड़ी है कमेटियां बनाने की, एक आदमी सिंसियर चाहिए, सारे काम अपने आप हो जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने, तो क्या कहा, ये खंडन कर दिया, खंडन कर दिया। जो बैठते हैं लगा के आसन, बड़े बड़े आसन बने हुए हैं और बैठते वहाँ ठाक से बैठते हैं और मूछ को भी ताव देते हैं, बात समझ गए। तो वो क्या है, उनके पास है क्या, कुछ भी नहीं है, बस क्योंकि वो बोलना जानते हैं और त्रेता युग की और द्वापर युग की बातें करना जानते हैं। अरे कलयुग में बैठे हुए हो, आज की बात करो, आज आज क्या करना है, कल केवल एक नाम आधारा, कल केवल एक नाम आधारा, श्रुति स्मृति संत मत सारा, नाम अंदर है उसको सुनो, उसकी आवाज को सुनो, वो क्या कहता है तुम्हें उस पर चलो, बाकी बाहर सब पखंड है और कुछ भी नहीं है, आगे चलो। आसन मारी धिक धरी बैठे मन में बहुत घुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ व्रत भुलाना। चार चीजें रह गई हैं, पत्थर की पूजा करो, पानी की पूजा करो और व्रत रखो और तीर्थों पर जाओ, बस दैट्स ऑल, खत्म, पार हो जाओगे, पार हो जाओगे, यही है और क्या है, बताइए। तो कोई किसी को बताता है कि वहां जाने से क्या मिलेगा, और 2000 मैं गया मिश्रिक, वहां बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई हुई थी, तो एक साधु भी आ गए अच्छे काफी, मेरे जैसे 2 निकल जाए उसमें से, वो मेरे पास बैठ गए। ये 2014 की बात है, कहता महाराज जी ये कहाँ केदारनाथ में हुआ था ना, तो वहाँ इतना जुर्म हुआ महाराज, वो क्या कारण था, इतने लोग वहाँ मर गए, वो तो पूजा करने गए थे। मैं कहता तुम्हें महात्मा जी कौन कहता वो पूजा करने गए थे, वो तो सैर करने गए थे होटलों में ठहरने के लिए, सराय में कौन थे, वहाँ सराय है ही नहीं, वो तो बड़े बड़े सेठों ने होटल बनाए हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, तो वो वहाँ वो तो जाते हैं, देखा हुआ ठीक है जी, बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है ना, उनको कौन पूछता है, वो तो अपने सैर करने जाते हैं, तो सैर करने वालों को सैर का ही मजा मिलना चाहिए। हजारों लोग खत्म हो गए वहाँ, कोई गिनती नहीं है, क्यों क्या कहा मैंने, अगर वहाँ वो होते तो वो एक पत्थर आया वहाँ रुक गया, बस उसी को कहते अगर ये भी जाता था भगवान शिव ने उसको रोक दिया वहाँ, ले ले बताओ तुझे भी कोई बात हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। लेकिन हमें ऐसा बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है, वो पत्थरों में नहीं रहता, वो वहाँ तुम्हारी आस्था रहती है, तुम्हारा विश्वास वहाँ रहता है, वहाँ और कुछ भी नहीं है, वो घर में भी विश्वास किया जा सकता है। तुम अपनी माता पर विश्वास कर लो, तुम अपने पिता पर विश्वास कर लो, तुम अपनी पत्नी पर विश्वास कर लो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, घर में चैन नहीं और वहाँ जाकर उस चैन को ढूंढते हो, वह कहाँ मिलेगी आपको चैन, कहाँ मिलेगा सुख आपको। और हम लोग जाते भी क्यों हैं इन लोगों के पास के घर में शांति आ जाए, हमारे घर में तरक्की हो जाए, हमारा पैसा नहीं बचता, ये नहीं होता वो नहीं होता। कोई एक सतगुरु मेरे पास आया, वैसे तो मैं कह देता हूँ लोग मानते नहीं, बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। मैंने कहा अच्छा तू मुझे अपने ना मंदिर का स्थान भेजना, फोटो भेजना, उसने भी भेजा, गुड़गांव से भेजा। मैंने कहा तुम्हारा गुरु कौन है, नाम लिया, मैं कहा तुम अपने गुरु को तो मानते नहीं, तेरे तो मंदिर में कितनी फोटो लगी हुई है, हैं, तुम तो भिक्षारी हो,
विचारी जानते हो ना, एक पति बनाया ही नहीं तूने, तेरा बेटा कैसे पार होगा। मैं से तिल कर लगाता है, कहता मुझे नाम भी मिला हुआ है। मैं कह तुम, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहते हो, तुम गुरु मानना चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग तेरे पास आए। बोल ठीक है ये बात। उसके बाद उसने मुझे बाद में टेलीफोन कभी नहीं किया, नहीं तो वो मुझे टेलीफोन करता था। बात समझ गए, किसी गुरु का चेला है। सभी चेले बने हुए, अपने आप को गुरु बना लिया, तो बस किसी के साथ फोटो खिंचा ली और वहाँ कह रही है देखो जी हम तो वहाँ थे स्टेज पर, हमारे आचार्य हैं और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, मुझे सब पता है, लेकिन वो अपना कर्म खराब कर रहे हैं, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। क्या कहा मैंने, ये सब अखंड है, सब अखंड है और कुछ भी नहीं है। कबीर साहब दुखी होकर लिख रहे हैं ये बात, उनके मन की हालत को मैं पहचान सकता हूँ कि वो संत जब दुनिया को देखा ये पागल हो गई, कहते हैं ये दुनिया पागल हो गई है, ये क्या कर रहे हैं। आगे चलो, माला पहिए टोपी पहिए, माला पहिए टोपी पहिए, छाप तिलक अनुमाना, छाप तिलक अनुमाना, साधो देखो जग बौराना। अपना पहरावा भी बदल लेते हैं ना, वो भी सारा बता दिया, मालाएं पहनते हैं, टोपी रखते हैं या और कुछ पहनेंगे, सब कुछ करते हैं। चलो आगे, साथी साथ गावत भूले, साथी साथ गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कहते हैं साखी शब्द उसको भूल गए ये, इनको पता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर एक साखी कहते देखता है, साखी कहते देखता गवाह है वो इस बात का कि तुम कर क्या रहे हो। वो तुम्हारे अपने अंदर है, वो शब्द है, वो शब्द तुम्हारे अपने अंदर है, वो शब्द असलियत है, वो तत्व है, वो मालिक की वाणी है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम तो उसको भूल ही गए, उसके बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं है, बस बाहर का देखो, देखो तुझसे चल नजर मारो बाहर दुनिया की, मैं तो अब आँख ही बंद कर दी, मैं नहीं अब सोचता कि इनके कर्म ही ऐसे हैं, इनको काल ने ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है। श्री गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द है बहुत प्यारा, वो कहते हैं हमारे सर के ऊपर काल रूपी सांप है, हर वक्त हमारे सर के ऊपर है, उसने डंक मारना एक सेकंड नहीं लगना। उनका एक शब्द है, मैंने पढ़ा हुआ है, अब मुझे याद नहीं है, काल रूपी सर्प हमारे सिर पर हमेशा बैठा है, मगर हम उसकी परवाह नहीं करते। ऐ इंसान तू ज्यादा नहीं, सुबह शाम कम से कम 5 मिनट, बाकी सारा दिन अपनी दुनिया को दे दे, अपना धन भी अपने परिवार को दे दे, लेकिन अपना आप 5 मिनट के लिए अपने आप को जरूर देखा करके तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाना है। ये मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, सारा दिन नहीं तो सुबह शाम राम नाम, दिन को काम रात को आराम, लो मसला हल कर दिया। क्या कहा मैंने, आगे चलो, घर घर मंत्र जो देत पिया तो है, घर घर मंत्र जो देत फिरत है, माया के अभिमाना। अब ऐसा है, मैं छह महीने हो गए तो मुझे एक फोन आया हरियाणा से, कह जी हम आपके सत्संग में आना चाहते हैं बाबा जी। मैं कहा जी आइए, आप आपका स्वागत है। तो उस वक्त मुझे किसी ने नहीं बताया कि हम कितने आदमी, 5-6 होंगे। मैं कोई बात नहीं, आप रात को आ जाइए, आपके ठहरने का इंतजाम होगा, सुबह आइए तो आज नाश्ता कर लीजिए, मैं तो भाई 9 बजे पहुंचता हूँ। तो ठीक है, मैं अभी इधर ये थोड़ी दूरी था, बजवाड़े के पास था, तो उनका फिर फोन आया कि बाबा जी हम पहुँच गए। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, आप चाय पानी पियो, तो मैं आ गया समझे। तो जब मैं आया तो वो कमरे में बैठे,
एक नौजवान काफी लंबा चौड़ा, उसने हाथ में गुलदस्ता पकड़ा हुआ, उसने मुझे गुलदस्ता भेंट किया। मैंने कहा संत मत में इसका रिवाज नहीं है बेटा, ये राजनीति में होता है कि मंत्री आए तो उनको ये भेंट करो फूल वाला गुलदस्ता, ये नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बैठिए। बैठ गए। मैंने कहा आपने नाश्ता कर लिया? जी नाश्ता तो कर लेते हैं। मैं तो करो फिर नाश्ता, मुंडे भेज देते इधर। फिर मैं कहा आप बताइए कैसे आई? मैं आचार्य हूँ जी, भिवानी से आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने नामदान किन से लिया है? फिर उन्होंने कंवर साहब का नाम लिया कि कंवर साहब से मैंने नामदान लिया। मैंने आगे नहीं पूछा क्योंकि मैं पहचान गया उसको, देखते ही पहचान गया कि ये क्या है। तो कहता जी मैं चाहता हूँ कि मुझे भी 15 मिनट बोलने के दीजिए। मैंने कहा ये आपको किसने कहा कि मैं दूसरे लोगों को जो बाहर से आते उनको बोलने की आज्ञा देता हूँ? मुझे नहीं पता आप क्या बोलेंगे, आप क्या हैं, मैंने आपको देखा नहीं, मैंने आपको सुना नहीं, आपका क्या अनुभव है बताओ मुझे, आपका अनुभव क्या है, आपने क्या देखा अंदर? तो वो चुप, बात समझ गए। मैंने कहा मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा बोलना, हाँ आप बैठिए सत्संग सुनिए, प्रसादा खाइए, आप आनंद लो, कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी सेवा पूरी करेंगे, मेरे आप अतिथि हैं। लेकिन वो इस बात को वो केवल यहाँ आकर बोलना चाहता था, अपना ज्ञान बताना चाहता था। तो मैं अलाउ नहीं करता ऐसे, मैं स्टेज पर भी अलाउ नहीं करता ऐसे लोगों को, बगैर जाते हैं ऊपर चढ़कर क्योंकि पैसे मिल जाते हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को कहना कि किसी को मेरी आज्ञा के बगैर स्टेज पर न बैठने दो, बात समझ गए। तो वो चले गए, सारे चले गए, अच्छा हुआ। ऐसे तो घूमते फिरते आचार्य, हम आचार्य हैं जी, कहाँ के अचार, अचार खाता कभी तुझी अंदर ला अचार खाया कभी? अंदर को तो देखा नहीं, बस कुर्ता पजामा पहना और चल पड़े हाथ में। मैंने कहा ये मैं इसको आपके फूलों को मैं स्वीकार नहीं करता, उनके फूल लेना हमारा, हमारे गुलदस्ता नहीं संतों को दिया जाता, आप क्यों लाए थे मुझे नहीं पता भाई, पर आपकी कृपा है रख दो यहाँ, मेरी बात समझ गए। तो घर घर नाम देते फिरते हैं, दस चार पाँच छः मुंडे बना, आजकल तो मुंडे में काम कोई नहीं, रोटी मिलनी चाहिए चंगी खाने को, बात समझ गए, काम तो कोई करते नहीं है, चलो संता दे नाल बढ़िया गाड़ी में सफर फर्स्ट क्लास सेवा पूरी क्योंकि बापे नाल आया, बात समझ गए ना। अब मेरे बंदे जाते तो नाल थले सोना पा थले सोते ऐसा क्या कहा मैंने, दुनिया क्या बताऊँ अंधकार, जग में घोर अंधेरा भारी, ये तो स्वामी जी ने कितने 100 साल पहला किया। मैं कहता हूँ अब अंधेरा ही अंधेरा है, लाइट है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, सूरज में भी रोशनी नहीं है, इतना अंधेरा हो गया है। एक जमाना था एक गांव की लड़की सारे गांव की लड़की समझी जाती थी, अब पड़ोस की लड़की को अपनी लड़की नहीं कोई समझने को तैयार है। मेरी शादी हुई उसके 6 महीने बाद मेरे ससुराल से एक आदमी ने मेरे गांव से गुजर कर अगले गांव जाना था, सारी मेरे पिंड तो नहीं होकर सारी जाना था, उसने वहां पूछा किसी को पे शेखुपुर से जहाँ कि कुड़ी ब्याई हुई है उन्होंने घर के ना पूछ के आया वो, और मेरी वाइफ को 100 रुपया दे के गया। मैं कह बेटा मैं अपनी वाइफ को पूछा मैंने आपको पहचाना, कहती हाँ है ये साढ़े सैनी साहब ने गाँव दे प्यार, ये थी इज्जत, साढ़े पिंड की कुड़ी इतने ब्याई है, पानी नहीं पीता, कहते नहीं बेटी मैं आपके घर का पानी नहीं पी सकता, खाना तो एक तरफ रहा, आज आग लगी है चारों तरफ, आग लग गई है चारों तरफ, कोई बुझाने वाला संत ही नहीं है, कोई सुनने वाला इंसान नहीं है, किधर जा रही है हमारे भारत की संस्कृति? हम संस्कृति की बात करते हैं, भारत की संस्कृति बहुत ऊंची है, कहाँ है संस्कृति हमारी, कहाँ है सनातन धर्म, कहाँ है सनातन धर्म, कहाँ गुरुओं की शिक्षा, कौन सुन रहा है,
मैं सबको चैलेंज करता हूँ, और सुनो सुनो गुरु साहबान क्या कह गए और ऋषि क्या लिख गए देवताओं के बारे में, तुम्हें क्या कह गए कि वो सारे के सारे 33 कोटि देवता तुम्हारे अपने शरीर में रहते हैं, तुम उसको बाहर ढूंढ रहे हो। कबीर साहब दुख से लिख रहे हैं, ये कबीर साहब लिख रहे हैं दुख से। आज ये पता नहीं कितने 100 साल पहली बात है, आज तो कलयुग का पूरा जोर चल रहा है, 2022 चल रहा है, आगे आगे। पंडिताजी महाराज कभी कभी हम वहाँ बैठा करते थे महाराज जी के पास, ये बरामदा होता था, बरामदे में बैठा करते, वो कहते वो कह कहा करते बच्चा इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या, देख ही रहे हैं हम क्या हो रहा है सब कुछ, आपस में लड़ रहे हैं गुरु के चेले, आपस में लड़ रहे गुरु गुरुओं के साथ लड़ रहे हैं, चेले चेलों के साथ लड़। धर्म तो पंख लगा कर उड़ गया, सच्चाई देश से दौड़ गई, झूठ ही झूठ है जिधर देखो सब झूठ, हमें सब बेवकूफ बनाकर अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं, और हम ऐसे हैं कि हम उनकी बातों में आकर उनके पीछे दौड़े फिरते हैं। किन किन की बात करूं मैं, ये है जग बौराना, साधु देखो जग बौराना। आगे घर घर मंत्र जो देख फिरत है माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब पूरे, गुरुआ सहित शिष्य सब पूरे अंत काल पछताना। भूल गए शिष्य भी भूल गए, दाता जान स्वामी जी महाराज लिखा गुरु लालची स्वार्थी चेला दोनों नरक में ठेल में ठेला, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, गुरु भी डूब गया तो चेले भी डूब गए। आगे बहुत देखे पीरियोलिया, बहुत देखे पीरियोलिया पढ़े किताब कुराना, किताबें पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, सभी देखे मैंने, औलिया भी देखे पीर भी देखे, किताबों के हवाले दे रहे हैं। बाबा फकीर ने किसी किताब का हवाला नहीं दिया, अपनी जिंदगी को बताया कि मैंने क्या पाया जिंदगी में गुरु की बात को लेकर, और वो ही हमें बता कर गए, बाकी कोई चीज़ नहीं। और मुझे तो उपदेश ही दे दिया, बच्चा तूने कोई किताब नहीं पढ़नी, ले गली खत्म कर थी मेरी तक फुल स्टॉप लगा दिया, मैं पढ़ता ही कुछ नहीं, पढ़ूँ तो केवल बाबा फकीर को पढ़ता हूँ या दादा जान को पढ़ता हूँ या कबीर को पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मेरी खुराक है, ये मेरी खुराक है, इसको पढ़ लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं। आगे बहुत देखे पीरियोलिया पढ़े किताब पुराना, करे मुरीद कबर बदलावे उन्हु खुदा हिंदू की दया में हर तुर्कन की, हिंदू की दया में हर तुर्कन की दोनों घर से भागी। कहते हैं हिंदू शब्द का, हिंदुओं की दया खत्म हो गई और मेहर मुसलमानों की खत्म हो गई, ना हिंदुओं में दया ना मुसलमानों में मेहर, दया मेहर एक कोई चीज़ है, वो उर्दू का शब्द है वो हिंदी का शब्द है, और क्यों नहीं है आगे पढ़ो। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी, वह करे जीवा को झटका मारे आग दो घर लागी। करते क्या है हिंदू ऐसे कत्ल कर देते जानवर को और मुसलमान ऐसे मारते हैं, एक झटका करता है कि बढ़िया ऐसे एकदम मारो भाई, और दूसरा कहता नहीं
पहले पहले कलम पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ के फिर बकरे को पकड़ लेते हैं, जानवर को पकड़ लेते हैं, बड़े बड़े ऊँट मारे जाते हैं, पता नहीं क्या क्या मारा जाता है, उनका अपना अपना ख्याल है, और उसको फिर धीरे धीरे ऐसे उधर अपना कुछ पढ़ते जाएंगे, फिर ऐसे 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 उसका गला काट देते हैं। और हिंदुओं में जो लोग हैं वो एकदम ऐसे मारते हैं, चल इधर से पकड़ लिया सिर किसी ने, इधर से टांगे पकड़ ली, दूसरा बार मारेगा, चल क्या दया, दोनों घर से दोनों घर जाकर लगी हुआ, ये कौन सा धर्म हुआ, कौन सी देवी है, कौन सा देवता है जो जानवरों को मांस खाता है, क्या खून पीता है, कहाँ है, कौन सा देव ऐसा है दुनिया में, कोई नहीं है, ये अपने लिए खाते हैं, और क्या किसी को देवता, कोई मूर्ति खाती है, सब पाखंड है, अपने लिए ही सब कुछ इन्होंने किया हुआ है, कोई देवी नहीं आती, कोई देवता नहीं आता कि जानवर को मारो तो और हमें भेंट करो, मैं इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्यों संतों ने लिखा है हर जगह हर जीव में जब वो है, हर जीव में जब वो है तो उस जीव को मारने का तुम्हें क्या अधिकार है, ऐ इंसान घट घट में वो ही है, चाहे छोटे से छोटा जीव, तुम छोटे से छोटे जीव को देखो जो जमीन पर चल रहा है, वो तुम्हारी चाल को पहचान लेता है और वो सुकड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, क्या काम है, मैं देखता रहता हूँ घर में बैठा, पक्षी भी आते हैं, छोटे छोटे जीव भी देखता हूँ मैं जमीन पर, कई अभी क्योंकि जमीन खोदी गई कई नए नए चीज़ें निकली, वो मैं देखता हूँ, उनमें भी जीव है, वो ही जाने, वो पहचानते हैं खतरा कहाँ है, कहाँ खतरा नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना वो जानते हैं। एक इंसान है जिसको अशरफ मखलूकात कहा गया है, जिसको नारायणी दे कहा गया है, वो सब कुछ भक्ष जाता है, खा जाता है, किसी को छोड़ता नहीं है, इसका कल्याण कैसे होगा मालिक जाने, मैं नहीं जानता, लेकिन देखते हुए पता लगता है। और सदना कसाई की बात याद आती है, अगर सदना कसाई को ज्ञान हो गया कि वो बकरे काटता है और हर रोज काटता है, फिर एक दिन उसको टांग काटनी पड़ी तो उसको ज्ञान हो गया, बकरे ने कहा कि तू मेरे सिर तो काटता रहे, मैं तेरे काटता रहा हूँ, आज तू टांग काटता है मैं भी तेरी टांग काटूंगा, अंदर से ज्ञान हो गया, छोड़ दिया। तो क्या ऐसा करने वालों का सिर नहीं कटेगा, कटेगा कटेगा कटेगा। मैं छोटी सी कथा सुनाता हूँ आपको जो सत्य है। एक कुत्ता अपने रास्ते में सोया हुआ था, किसी रास्ते में छाया होगी सो रहा है, तो एक आदमी वहाँ से चला, उधर से जाना था, सड़कें तो होती नहीं थी, तो उसने सोचा है ये मेरे रास्ते में सोया है, अगर मैं इधर से निकला इधर से निकला इसने मेरी टांग पकड़ लेनी, आदमी को डर ही होता है ना, तो उसने अपना सोटा मार दिया उसको, वो चौंक करता उठा बेचारा, चौंक चौंक करता चलेगा, चोट लगी इधर चला गया, इसको दरवेश कहते हैं, कुत्ते को दरवेश कहते हैं। दरवेश ने भगवान को याद किया, खुदा तेरी दुनिया में कितना अन्याय है, मैं सो रहा था, मुझे इस बेरहम ने चोट लगाई है, इसको सजा दे, इसको सजा दे, इसको सजा दे। कहते वो ईश्वर ने उसको अपने दरबार में बुला लिया, बताओ दरवेश क्या हुआ, कहते मैं तो सो रहा था, इस आदमी ने मेरे ये देखो मेरा क्या हाल कर दिया, उसको भी बुलाओ, कहते उसको भी बुलाया गया, उसको भी बुलाया गया, क्यों भाई तुमने सोटा क्यों मारा, इसने तेरे को भौंका, इसने तुम्हें काटने की कोशिश की, कहता नहीं जी मुझे डर लगा कि अगर मैं इसके पास से निकला तो इसने मेरी टांग पकड़ लेनी है, मुझे जख्म कर देगा, मैंने दूर जाना था। कुत्ता कहा मैंने, दरवेश बोला महाराज मैं तो सो रहा था, मुझे क्या पता जी कौन है, कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है, अब गुरु उस माल के कुल को धर्मराज को मुश्किल हो गई कि मैं फैसला क्या करूं, ये भी सच्चा ये भी सच्चा। उसने दरवेश को कहा ऐसा दरवेश तुम ऐसा करो तुम ही फैसला कर दो,
मेरे लिए तो कठिन है, मैं तो छठो पंच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, कैसे फैसला दूं। कहते महाराज मेरी सुनो, फिर इसको अगले जन्म में मंदिर का पुजारी बना देना, इसको अगले जन्म में मंदिर का पुजारी बना देना। कहते तथास्तु, ओ बंदा खुश होकर चला गया, बढ़िया मैं पुजारी बनूंगा, आनंद ला देगा ना। अब खुदा ने पूछा उस दरवेश को, भैया ये कौन सी सजा दी आपने, ये तो आपने तो उसको बढ़िया जन्म दे दिया, पुजारी हो गया, नाम जपेगा और जन्म बना लेगा अपना। कहते महाराज ये बात नहीं है, ये बात महाराज जी नहीं है, यही सजा उसको चाहिए। कहते भाई कारण क्या? कहते महाराज कारण ये है कि मैं भी पिछले जन्म में मंदिर का पुजारी था, और मैं जो लोग फल फ्रूट दे जाते थे वो भी घर ले जाता था, और जहाँ तक जो तेल डालकर जाते थे ना दिए में, वो लोग चले जाते थे, मैं तेल भी निकाल कर घर ले जाता था, बच्चों के काम आएगा, मैं दिया नहीं चलने देता था, लोग चल जाते ना दिया डाला चल चले गए, और निकाला डाल लिया अपनी बोतल में, तो फिर क्या हुआ दरवेश? उसकी सजा आपके कानून ने मुझे ये दी कि मुझे कुत्ते का जन्म मिला, क्योंकि मैंने मंदिर में वो काम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, मैं तो लालची हो गया, मैं तो माया में फंस गया और मैं कुत्ता बना। और जब ये मंदिर का पुजारी बनेगा महाराज, ये भी वही काम करेगा जो मैंने किया, फिर ये कुत्ते का जन्म मिलेगा इसको, फिर इसके भी कोई लाठी मारेगा, बात पूरी हो जाएगी। क्या कहा मैंने, करनी अपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, वो है कर्म गति चारे नहीं चले, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, यही संतों ने कहा है। तो कर्म क्या कर रहे हैं ये लोग, नजर डाल के देखो, तुम्हें डर लगेगा इनसे कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी हैं, ये पढ़ते भी हैं, ये सुनते भी हैं, सत्संग में भी जाते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, 420 करते हैं, मिलावट करते हैं, धोखा देते हैं, अपनों को धोखा देते हैं, दूसरों को तो क्या धोखा देना है। तो कहाँ जाएंगे ये लोग? और तो मैं जब कभी कभी सोचते सोचते जहाँ पहुँच जाता हूँ कि अगर कोई नर्क है तो वो भारतवासियों के लिए है, इन गुरुओं के लिए है जो ऐसा काम कर रहे हैं, उनके लिए नर्क है, बाकियों के लिए नहीं। बाकी बच जाएंगे, क्यों बच जाएंगे? वो अज्ञानी है। मैं हर किता मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने बेल्ट नहीं लगाई, अपना लाइसेंस भी पास नहीं रखा, तो मुझे पकड़ लिया पुलिस वालों ने, लाओ बाबू जी लाइसेंस दो, बेल्ट नहीं लगाई, चलान होगा। बाबू जी आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुआ हुआ। अच्छा जी बढ़िया, इतनी बड़ी एजुकेशन, कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुए, गाड़ी में लाइसेंस नहीं है और बेल्ट नहीं लगाई हुई, आपको डबल सजा मिलेगी, 3,000 रुपया फाइन लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो गुरु बने बैठे हैं और गुरु बनकर कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो जब उनकी बारी आएगी तो फिर उनको भी पूछा जाएगा, तुमने क्या किया भाई, आजा। ये तो वो जगह है जहां केवल कर्म देखा जाएगा, तुम करते क्या थे, क्या किया तुमने, उसके मुताबिक तुम्हें सजा होगी। अगर जुडिशियर को भी दाई घड़ी के लिए जाना पड़ा नरक में, केवल एक झूठ बोला उसने, तो क्या हुआ उसके साथ, नरक में गया। और वो भीष्म पितामह जो जिसने जो एक एक प्रण कर लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और
अपने जिसके घर के मैं खाऊंगा उसके हक हलाल की वहां कर्म करूंगा, और उसको क्या दंड मिला वो भी आपको मैंने बताया। जब शास्त्र ये कहते हैं कि ऐसा होगा तो फिर हम किस बात की बोली हुए? हम कहते हमने उस गुरु से नाम लिया, हमने उस गुरु से नाम लिया, तो क्या तुम तर जाओगे? नहीं तरोगे भाई। इसलिए सुनो क्या कहते हैं कबीर साहब, दोनों घर आग लगी, दोनों घर क्या मैं कहता हूं, अब घर घर में आग लगी है। मेरे देश में कोई धर्म को नहीं जानता कि वास्तव में धर्म है क्या, सबने इसको खाने पीने का साधन बना लिया है। आगे याद दिलाते चलाते हैं हमको, याद दिलाते चलाते हैं हमको, आपका वैसा साधो या जग है बोराना, काहे छोड़ दिया, तुम ही फैसला करो कौन इनमें सियाना है, कौन दीवाना है, कौन बेराना है, सोच लो तुम ही सोच लो। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया, मैंने आपको दुनिया की हालत भी सुना दी और मैंने संतों की वाणी भी सुना दी। एक तरफ संत कहते हैं कि हरि भजन बिना तुम्हारे कल्याण नहीं होगा, और हरि भजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। बात समझिए, बड़े बड़े नहीं बनना है। नानक साहब ने कहा है मिच्छत नीमी नानका गुण जगया दत्त, नीमे होके नंग जाओ, नीमे होके नंग जाओ। नीमे में फल लगता है, बड़े वृक्षों को फल नहीं लगता। जब आंधी आती है तो बड़े वृक्ष टूट जाते हैं, छोटे वृक्ष बच जाते हैं। क्या कहा मैंने, आप सुखी रहो। बहुत बहुत आपको मेरी शुभकामना, मालिक आपको तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे, और घरों में आपके प्रेम और शांति का वातावरण बने। इसी में सब कुछ है, सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।